हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी समीरा अजीज जद्दा सऊदी अरेबिया से। यूएस इलेक्शंस के बारे में बात करना चाहूंगी। गल्फ न्यूज़ के एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं एडिटर मज़र फारूकी। उन्होंने अमरीकी इलेक्शंस के बारे में कहा था तकरीबन 7 अक्टूबर को। उनका ट्वीट था जो मेरी नज़र से गुजरा था। उन्होंने कहा था कि द अपकमिंग यूएस इलेक्शंस वुड बी द नास्टीस्ट एंड मोस्ट कैओटिक एवर। डेज आफ्टर द इलेक्शन वी विल स्टिल नॉट हैव अ विनर। इंस्टेड वी विल हैव ड्रामा, टेंशन and a bizarre twist in the tale. Mark my words, this day, October 7. और जी बिल्कुल, उन्होंने ये कहा था कि जो अमरीकी इलेक्शंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है अफरा तफरी का शिकार होंगे, नागवार होंगे, और इलेक्शंस के कई दिनों बाद तक भी हमें ये नहीं पता होगा कि कौन फातिहा है। और इसके अलावा ये कि बहुत ड्रामा होगा, टेंशन होगा, अजीब किस्म की सूरत हाल होगी, मामलात ऐसे जो हैं वो रूप धारेंगे, ट्विस्ट होगा। और बिल्कुल यही हो रहा है जनाब, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा था, यही हो रहा है, हम देख रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अमेरिकी इलेक्शंस में धांधली होने का इल्ज़ाम लगा दिया है, और वो लाखों वोटों की गिनती के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का अंदिया भी दे चुके हैं। कोई सबूत तो उन्होंने फराहम नहीं किया, लेकिन उनका कहना है कि इनका हदफ जीतने से कतअ नज़र इंतखाबात की सालमियत का दिफा करना है। और दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक जो अराकीन है उन्होंने अमेरिकी सदर ट्रंप के जो इल्ज़ामात हैं उनको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। और अमेरिकन से उन्होंने ये कहा है कि वो इंतखाबी निज़ाम पर भरपूर एतमाद करें। और हाँ, एक बात और भी है कि इस दफ़ा जो है अमेरिकी तारीख में इलेक्शंस का सबसे ज़्यादा बड़ा टर्नआउट आया है। अगर आप उधर की वहाँ की अमेरिका की आबादी के मुनासबत से देखें तो 66.9 जो है वो फ़ीसद जो है वो टर्न आउट है, विच इज़ वेरी गुड। असल में वहाँ पर जो इंतखाबी अमल है अमेरिका में वो भी बड़ा मुश्किल तरीके के, एक तो कोरोना वायरस का दौर है, और फिर इसी हिसाब से जो स्टेशंस थे वोटिंग वगैरह के अमल के लिए वो भी बहुत कम थे। सुना है 10-10 घंटे लोगों को कतार लगानी पड़ी थी। ज़ाहिर है इंसान बिज़ी होता है, तो वहाँ पर जो अमल जो है वो भी काफ़ी मुश्किल है कि लोग वहाँ पर जाएँ वोट डालने के लिए। मगर उस हिसाब से भी जब 66.9 टर्न आउट है, ये आया है इसका कहा जा रहा है, तो गुड, नॉट बैड। फ्रेंड्स, अमेरिका के जो सदारती इंतखाबात हैं उनके हतमी नतायज जो हैं वो आने में तो अभी कुछ वक्त लगेगा, या शायद हमें कई दिनों तक इंतज़ार करना पड़े। और अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में जो है मुजाहरे भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ मुजाहरीन कह रहे हैं कि वोटों की गिनती जो है उसको जारी रखें, कुछ ये कह रहे हैं कि अभी जो ये अमल है उसको रोक दिया जाए क्योंकि धांधली हुई है, ऐसा वो कह रहे हैं, देखते हैं। बात यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन नतज के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान तो ज़रूर कर दिया है, लेकिन बज़ाहिर इनके लिए ये रास्ता जो है वो एक बहुत दुशवार गुजार रास्ता साबित हो सकता है। ये लड़ाई कोई इतनी आसान नहीं होगी, और एक तवील सफ़र भी हो सकता है, एक साल भी लग सकता है इस कानूनी लड़ाई में। तो जो सिलसिला है वो कुछ इस तरह बनेगा कि पहले जो है जिन रियासतों के नतज पर एतराज़ है डोनाल्ड ट्रंप साहब को, तो उन्हें पहले वहाँ की अदालतों में जाना पड़ेगा। तो उसके बाद जो भी फ़ैसला होगा वहाँ का, उस पर एतराज़ किया जाएगा। दोनों फरीकों में से कोई एक फरीक जो है वो एतराज़ करेगा, और वो फरीक सुप्रीम कोर्ट में जाएगा उस एतराज़ को लेके, और उसके जो जज हैं वो इन अपीलों का तफसीली जायज़ा लेंगे, उसके बाद फ़ैसला सुनाएंगे। तो कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि वो फौरी फ़ैसले के लिए जो है बराए रास्त सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ, ऐसा नहीं होगा। अब यह है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो अदालत से कामयाबी मिलने के जो इम्कानात हैं वो बहुत कम हैं। अगर गिनती के अमल पर जो है वो कोर्ट प्रोहिबिशन ऑर्डर जारी करती है, तो डोनाल्ड ट्रंप को जो है उसका डिटेल में जो भी डिसीशन होगा उसके लिए जो है अपनी सदारत जो है वो छोड़नी पड़ेगी। और अदालत जो है वो एक्चुअली में किसी भी वोटर का जो वोट है उसको कैंसिल नहीं कर सकती। वो ये नहीं कह सकती है कि वोट को आप इग्नोर करें या वोट गलत है। हाँ, अगर गिनती का मसला है तो अदालत इस अमल पर जो है अपना डिसीशन ज़रूर दे सकती है। असल में जो भी नतीजे आए हैं, जो बाइडेन जो हैं उन नतीजे में अभी आगे हैं, तो उनकी कामयाबी में नतीजे का मार्जिन इतना ज़्यादा है कि शायद ये भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के हक़ में नहीं जाएगा, अगर इन केस अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया भी, क्योंकि मार्जिन कामयाबी का जो बाइडेन का बहुत ज़्यादा है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। हाँ, ये भी हो सकता है कि जो जज जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के करीब हैं या वो उनके हक़ में फ़ैसला देते हैं, वो कोरोना जो है कोविड-19 के मसले को वो बीच में ला सकते हैं कि भाई कोविड-19 की वजह से जो है वो पोस्टल बैलेट्स की जो है वो मुकम्मल तस्दीक नहीं हो सकी, ऐसा हो सकता है।
और यह है कि अगर 20 जनवरी को जब नया सदर अपनी जिम्मेदारी अमेरिका में नहीं संभालता है, तो अगर इस दिन तक डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के माबेन जो है वो जो इंतखाबी तनाज़ा है वो तय नहीं हो पाता है, तो फिर कांग्रेस की जो स्पीकर हैं वो सदर का ओहदा जो है वो संभाल लेंगे। सन 2000 के अमरीकी इंतखाबात मुझे याद है, मैं कवरेज कर रही थी इंतखाबात की, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अदालत के ज़रिए जो है वो इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन उनके इंतखाब को आज भी कंट्रोवर्शियल समझा जाता है। चलिए देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है, और मेरे अगले तजिए का इंतज़ार कीजिए। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।